कुसुम, स्वागत है आपका कुसुम रसोई में। आज मैं लेकर आई हूँ अपने बचपन की फेवरेट रेसिपी लट्ठू, जिसके स्वाद से आजकल के बच्चे अनजान हैं। तो चलिए हम बचपन की याद को ताजा करते हैं और बनाते हैं लट्ठू। मगर उससे पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसे हम दो तरीके से बनाएंगे, एक नॉर्मल लट्ठू की तरह और एक लड्डू के शेप में। इसे बनाने के लिए हमें 1.5 कप बेसन चाहिए और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 पिंच के लगभग, और 2 बड़े चम्मच और 1/2 चम्मच और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। बेसन गूंदने में बहुत कम पानी लगता है, इसलिए ध्यान से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसका डो तैयार करें। इसे हाथों से अच्छी तरह से मस लें और पानी का छींटा दे देकर इसे सॉफ्ट करें। बेसन का डो थोड़ा स्टिकी होता है, हाथ में चिपकता है, तो परेशान ना हो। हमारा डो तैयार है। अब इसे कवर करके हम 1 घंटे रेस्ट करने छोड़ेंगे। इसे गूंदने में मुझे 1/2 कप पानी लगा है। 1 घंटे बाद हम इसे और थोड़ा मस लेंगे। हाथों में चिपक रहा है तो हम थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लेंगे और उंगलियों में लगाकर इसे मिक्स करें। लट्ठू को हम सेवई मशीन से बनाएंगे और जाली लगाएंगे मोटी छेद वाली। तो मैंने ये स्टार शेप की मोटी छेद वाली जाली लगाई। आपको जो भी शेप और जितना मोटा पतला रखना है उतने बड़े सेब की जाली को लगाएं। इसके पिस्टल को निकाल कर इसमें ऑयल या फिर घी लगाएं ताकि डो चिपके नहीं। अब इसे 1/2 बेसन हम निकाल कर और मशीन में डाल दें। इसे बंद करें तो ये हमारा पिस्टल तैयार है चलने के लिए, मतलब सेवई बनाने के लिए हमारा मशीन तैयार है। ऑयल गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम को मीडियम रखें और इसमें लट्ठों को सेव दें। जैसी मर्जी वैसा बनाएं। ये हमारे लट्ठू का सेप तैयार है, अब इसे कट कर देते हैं। इसे थोड़ी देर बाद हम चलाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब दोनों तरफ से इसकी गुलाबी होने तक हमें फ्राई करना है। तो चलाते हुए इसे फ्राई कर ले। देखिए हमें इसी कलर का फ्राई करना है। तो ये हमारा एक तरह का लट्ठू तैयार है। अब बारी है दूसरे तरह की लट्ठू की। अगर आपके पास सेवई बनाने की मशीन नहीं है तो आप ये छन्ना को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम पूड़ी वगैरह तलते हैं। इसमें बेसन के डो को डालें और ऊपर से चम्मच से प्रेस करें। हलवाई लोग मोटी छेद वाली छन्नी रखते हैं और उस पर इस डो को हाथ से प्रेस करके सेवई बनाते हैं। अगर आपको ज़्यादा मोटा बनाना है, यानी इस छन्नी वाले से मोटा, तो हाथ में ऑयल लगाकर और लंबा लंबा रोल करके भी बना सकते हैं। इसे
भी हल्का गुलाबी होने तक हमें फ्राई करना है। ये हमारी दूसरी सेवई भी तैयार है। अब है इन्हें मीठा करने की बारी। तो कढ़ाई को गैस पे रखें और उसमें एक छोटा चम्मच घी डालें और एक कप गुड़। गैस की फ्लेम को स्लो रखें और कंटिन्यू चलाएं। घी डालने से दो फायदे हैं, एक तो गुड़ जलेगा नहीं और दूसरा कि लट्टू हमारा अलग अलग हो जाएगा। इसमें मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ अदरक, इससे हमारे लट्टू का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। जो लट्टू फ्राई किया था उसे छोटी पीस में तोड़ लें, एकदम छोटा भी नहीं तोड़ना है, उंगली के साइज का तोड़ें। तो पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम लट्टू की पीस को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। गैस की फ्लेम को हमें धीमा ही रखना है क्योंकि जैसे ही गुड़ ठंडा होगा वो जम जाएगा और लट्टू पर गुड़ की अच्छी सी कोटिंग नहीं हो पाएगी। लट्टू पे जब गुड़ की कोटिंग हो जाए तो इसे गैस से उतार लें और चलाते हुए ठंडा करें। ये ठंडा होकर अलग अलग हो जाएंगे। तो एक तरह का हमारा लट्टू तैयार है। अब चलते हैं हम लट्टू की लड्डू बनाने। लड्डू बनाने के लिए उसी कढ़ाई को गैस पर रखें और उसमें डालें एक चम्मच घी और 1/3 कप हम गुड़ डालेंगे। अगर आपको लड्डू नहीं बनाना है तो आप गुड़ की क्वांटिटी को कम कर दें। इसमें थोड़ा सा अदरक को ग्रेट करेंगे और गुड़ जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें डालेंगे हम सेवई को। बारीक सेवई बनाई थी ना उसे, मुझे लड्डू बनाना था इसलिए मैंने गुड़ ज्यादा डाला है, लेकिन अगर आपको इसे लट्टू की तरह अलग अलग रखना है तो इसमें आप 1/2 कप गुड़ डालें। आप चाहें तो इसमें तिल मूंगफली फ्राई करके डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए हाथ से टच करने लायक ठंडा हो चुका है, इसे गोल लड्डू बना लें। तो ये हमारा मीठा लड्डू भी तैयार है। तो आप इस रेसिपी को बनाएं और बचपन की याद को ताज़ा करें। और मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।